तो गाइस पिछले एपिसोड में आपने देखा कि डैमेज कर्नल जोनास और उसके साथ आई टीम की बैंड बजा देता है और वापस अपने घर की तरफ चल पड़ता है, उसी बिल की तरफ जिसके अंदर उसको पैदा किया गया था। अब इथन अपनी ह्यूमन फॉर्म में आता है और द बर्रो के गेट की तरफ चल पड़ता है। एक सोल्जर कहता है, देखो इस गधे को दोस्त, तुम गलत जगह आए हो, अपनी भलाई करो और वापस उसी रास्ते पे मुड़ जाओ जहाँ से तुम आए हो। क्या तुम सुन रहे हो? ये एक रेस्ट्रिक्टेड इलाका है, यहाँ पे तुम्हारे साथ बुरी चीजें हो सकती हैं। तब इथन अपना हुड हटाते हुए कहता है, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, मेरा नाम है इथन अवेरी। सोल्जर कहते हैं, नीचे झुको अभी। इथन कहते हैं, कर्नल जोनास ने तुमको ऑर्डर्स दिए हैं, उसने कहा था कि तुम अपनी ड्यूटी कर रहे हो। मैंने भी उसके ऑर्डर्स फॉलो किए थे और मैंने बहुत सारी बुरी चीजें की, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि फिर कभी ऐसा ना हो। सोल्जर कहते हैं, नीचे लेट जाओ नहीं तो हम गोली चला देंगे। इथन कहता है, तुम्हारे पास आखिरी चांस है, भागो। तब इथन डैमेज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसे देखकर वो सोल्जर्स वहाँ से जंगलों की तरफ भाग जाते हैं। इसके साथ ही डैमेज का एक घंटा शुरू हो जाता है। इथन कहता है, डैमेज हम इसके लिए बहुत दूर चलकर आए हैं, वो बनो जो तुम बन सकते हो। सेंट्रल सिटी, हमें एक इंटरनेट कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है और ये बात 3 दिन पहले की है, जब इथन यहाँ पे आता है और यहाँ के एक लैपटॉप में वही पेन ड्राइव लगाता है जो उसे अननोन सोल्जर ने दी थी। डैमेज कहता है, इथन अपने महान कामों की तरफ देखो, क्या टीम थी, मिशन के बाद मिशन, कंट्री के बाद कंट्री, जिस किसी को भी मारना पड़ा, तुमने कोई सवाल नहीं पूछा। हम नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा नहीं है, हम नेशनल सिक्योरिटी है। ये वही बिल है जहाँ इन सब की शुरुआत हुई थी, घर। इसी के साथ ही 10 मिनट पूरे हो जाते हैं और वो पेन ड्राइव जल जाती है, जिसपे कैफेटेरिया की एक लेडी कहती है, अगर तुम्हारी पेन ड्राइव से लैपटॉप को कुछ नुकसान हुआ तो इसकी भरपाई तुम करोगे। तब इथन उसे कुछ पैसे देता है और एक टैक्सी पकड़कर पास के बस स्टेशन की तरफ चल पड़ता है। प्रेजेंट में इथन द बर्रो के सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर रहा है। डॉक्टर विज दूर बैठा ये सब देख रहा है और कह रहा है, तो ये सच है, इथन डैमेज के ऊपर कंट्रोल करने लग गया है। एक सोल्जर कहता है, डॉक्टर विस, कर्नल जोनास ने आपको इंचार्ज बनाया है, आप इसे किस तरीके से हैंडल करना चाहते हैं? डॉक्टर विस कहता है, मेजर क्रायो चैम्बर को बाहर निकालो, बर्रो पे अटैक हो चुका है, अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम यही है कि हम अपने सबसे कीमती सामान की देखभाल करें, और मेजर अपने आखिरी बैकअप को बुलाओ, यहाँ से भागने में हमें उसकी जरूरत पड़ने वाली है। मेजर कहता है, इससे आपके सीक्रेट ऑपरेशन के बारे में सबको पता चल जाएगा। डॉक्टर विज कहता है, डैमेज इस बिल्डिंग के अंदर आ चुका है, अब इसमें एक्सपोज करने का कुछ बचा ही नहीं है। अब वो सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं जबकि डैमेज सब इंस्ट्रूमेंट्स को तबाह कर रहा है। अब डैमेज को एक पीला गेट दिखाई देता है, जब डैमेज उस गेट को तोड़ता है तो उसे अंदर कई सारे सिलेंडर्स दिखाई देते हैं जिनके अंदर वो पहले के लोग हैं, जिनकी बॉडी में इथन से पहले डैमेज सीरम डाला गया था और वो सब मर चुके हैं। इथन कहता है, डैमेज ये वही जगह है, वही लैब है जहाँ उन्होंने हमें बनाया था, और ये कुछ और लोग हैं जिन्होंने वॉलंटियर किया था, ठीक मेरी तरह ये टेस्ट थे, ये एक्सपेरिमेंट थे, और ये सब लोग मारे गए ताकि एक ऐसा हथियार बनाया जा सके जो कि और तबाही और मौत पैदा कर सके, ये सब सिर्फ तुम्हें बनाने के लिए। इन लोगों की जगह हम भी यहाँ पे हो सकते थे, एक ट्यूब के अंदर बंद, इसलिए अच्छा होगा कि हम एक हीरो की तरह मारे जाएं बजाय कि एक मॉन्स्टर के, वो लोग हमें अपना मॉन्स्टर बनाना चाहते थे, अब टाइम आ चुका है कि हम उनका हथियार उन्हीं के ऊपर यूज करें। तब डैमेज वो सारी ट्यूब्स तोड़ने लगता है और कहता है, किल बर्रो। इथन कह रहा है, तोड़ दो डैमेज, इसे तोड़ दो, सब कुछ तोड़ दो। इसी के साथ डैमेज पूरी लैब को तबाह कर देता है। इथन कहता है, डैमेज प्रोग्राम खत्म हो चुका है। अब डैमेज लैब को तबाह करके बाहर की तरफ जाता है तो देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर एक सामान को लेकर जा रहा है। इस हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा डॉक्टर विस कहता है, हमारा कीमती सामान सुरक्षित है, कर्नल जोनास को बता दो कि हम दूसरी फैसिलिटी की तरफ जा रहे हैं, डैमेज प्रोग्राम को आगे बढ़ते रहना होगा। अब डैमेज उस हेलीकॉप्टर की तरफ उछलता ही है कि वहाँ पे जस्टिस लीग आ खड़ी होती है। विक्सन कहती है, जस्टिस लीग तुम्हारे बारे में जान चुकी है डैमेज। ग्रीन एरो कहता है, हम तुम्हें अरेस्ट कर रहे हैं। ये देखकर डैमेज वहीं रुक जाता है। ग्रीन एरो कहते हैं, तुम ये आसान तरीके से कर सकते हो या मुश्किल तरीके से, लेकिन हम तुमको किडनैप करके रहेंगे। गाय गार्डनर कहते हैं, मैं तो सोच रहा हूँ कि ये मुश्किल रास्ता चुने। विक्सन कहती है, हम तुम्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहते। द फ्लैश कहता है, वेल ग्रीन लांटर्न के अलावा कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। जिसपे इथन डैमेज से कहता है, हम यहाँ इतनी दूर
एक जेल में कैद होने के लिए नहीं आए डैमेज, फिर चाहे वो जस्टिस लीग की जेल हो या किसी के भी जेल हो। और तब डैमेज जस्टिस लीग की तरफ उछल पड़ता है। ग्रीन एरो कहता है, हम जस्टिस लीग स्ट्राइक स्क्वाड हैं, हमारे पास तुम्हें गिरफ्तार करने के ऑर्डर्स हैं। विक्सन कहती है, जो कुछ तुमने तबाही मचाई है वो यहीं खत्म होगी। गाई गार्डनर कहता है, ये सब वो पहले से ही जानता है, अब क्या हम लड़ सकते हैं? द फ्लैश कहता है, सरेंडर कर दो डैमेज, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। लेकिन डैमेज एक जमीन का टुकड़ा फाड़ कर उनकी तरफ फेंक देता है। फ्लैश कहता है, तो ये मना कर रहा है। तब गाय गार्डनर उस टुकड़े को तोड़ते हुए कहता है, अच्छी बात है कि मैंने भी अपने हाथ में चूड़ियां नहीं पहन रखी। द फ्लैश कहता है, मैं इसका ध्यान भटकाता हूँ और तुम लोग इसके ऊपर अटैक करो। इथन कहता है, डैमेज हमने सुसाइड स्क्वाड को हरा दिया, हमने कर्नल जोनास और उसके हंटर्स को हरा दिया, हम द बर्रो तक पहुँच गए और डैमेज प्रोग्राम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, हम फिर कभी एक जेल के अंदर नहीं जाएंगे। तब डैमेज फ्लैश को दूर फेंक देता है। ग्रीन एरो फ्लैश से कहता है, तुम जितनी जल्दी गए थे उतनी जल्दी वापस आ गए। तब ग्रीन एरो डैमेज के ऊपर एक जाल फेंकता है। इथन कहता है, सीरियसली कहीं ये मजाक तो नहीं कर रहा? ग्रीन एरो कहता है, ये लोग जितने बड़े होते हैं उनको हराने के लिए उतनी ही ज्यादा वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। तब ग्रीन एरो उस जाल के अंदर करंट चालू कर देता है, लेकिन डैमेज किसी तरह से उस जाल को दूर फेंक देता है। तब विक्सन एक गेंडे का आर्मर बनाकर आती है और डैमेज के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे डैमेज पहाड़ी से नीचे जाता है और जस्टिस लीग भी पहाड़ी से नीचे जाने लगती है और कह रही है, क्या तुम देख नहीं पा रहे डैमेज, तुम हमसे नहीं जीत सकते। जिस पे डैमेज खड़ा होकर जोर से गुर्राने लगता है। विक्सन कहती है, ये खड़ा हो गया, अब इसको हराने के लिए क्या करना पड़ेगा? गाय गार्डनर कहता है, ये बात मुझ पे छोड़ दो, चाहे इसके पास कितनी ताकत क्यों ना हो, इन सब की एक कमजोरी होती है। अब गाय गार्डनर डैमेज को बांधकर उसके अंडों पे लात मारता है, लेकिन इससे डैमेज को क्या कुछ होने वाला था? इथन कहता है, अब बहुत हो गया। गाय गार्डनर कहता है, इसके तो अंडे भी नहीं फूटते। तब डैमेज उछलता है और जस्टिस लीग के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे जस्टिस लीग के चारों मेंबर्स दूर जाकर गिरते हैं। द फ्लैश डैमेज के ऊपर पत्थर फेंकते हुए कहता है, ये गाय गार्डनर हर बार लोगों को गुस्सा दिला देता है। ग्रीन एरो कहते हैं, उसने डैमेज के अंडों पे लात मारी, हालांकि ये अच्छी बात नहीं है। गाय गार्डनर कहता है, किसे फर्क पड़ता है कि क्या अच्छी बात है, सिर्फ उन लोगों को जो मुक्कों की लड़ाई में हार जाते हैं। अब गाय गार्डनर पंच बनाकर डैमेज के पेट में मारने लगता है, लेकिन उसके पंच टूट जाते हैं। अब डैमेज गाय गार्डनर को मारने के लिए हवा में अपना हाथ उठाता ही है कि विक्सन पीछे से उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, ग्रीन लैंटर्न भाग जाओ। तब डैमेज विक्सन का हाथ पकड़ता है और उसको एक बैट की तरह घुमाकर ग्रीन लैंटर्न के ऊपर दे मारता है। हाय हाय, ग्रीन लैंटर्न बेहोश हो जाता है। अब विक्सन एक सांप बनाकर डैमेज को रोकने की कोशिश करती है और तब ग्रीन एरो डैमेज की तरफ एक पंच एरो फेंकता है, जो कि एक फुस बॉल की तरह नीचे गिर जाता है। ग्रीन एरो कहता है, माफ करना, आदत से मजबूर हूँ। द फ्लैश कहता है, मैं तुम्हारी ये आदत बाहर नहीं निकलने दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। अब विक्सन कहती है, फ्लैश एक वोर्टेक्स बनाओ। फ्लैश कहता है, मैं समझ गया, हमें इसकी सांस रोकनी है। लेकिन तब डैमेज विक्सन को पकड़कर फ्लैश के ऊपर दे मारता है और विक्सन के सांप को इस तरीके से मोड़ देता है कि विक्सन घायल हो जाती है। तब फ्लैश विक्सन को बचाकर ले जाता है और जस्टिस लीग के बाकी मेंबर से पूछता है, हमें और कितनी देर तक इसको बिजी रखना पड़ेगा? ग्रीन एरो कहता है, जितनी देर तक रखना पड़े, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तब गाय गार्डनर कहता है, एक मिनट, क्या तुमने वो सुना? फ्लैश कहता है, हाँ वो आ रहा है। इथन कहता है, डैमेज ये आवाज़ कैसी है? तब डैमेज के ऊपर एक लेजर से अटैक होता है, हालांकि गाय गार्डनर जस्टिस लीग को एक शील्ड बनाकर बचा लेता है और कहता है, अच्छी बात है कि मैंने उसे आते हुए सुन लिया था, तो बियर किस किस को पीनी है? फ्लैश कहता है, इतनी जल्दी मत करो, बाहर देखो। गाय गार्डनर कहता है, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे? डैमेज अब भी खड़ा हुआ है, लेकिन कैसे? इथन कहता है, डैमेज वो यहाँ पे आ चुका है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो सच में आ चुका है, मैं हमेशा उससे मिलना चाहता था और मुझे लगता है कि उससे मिलने का बस एक ही तरीका है। तब सुपरमैन वहाँ पे आता है और डैमेज से कहता है, मेरे दोस्तों ने तुमसे आराम से बात करने की कोशिश की, लेकिन अब तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी। तो गाइस, जाने से पहले वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलना, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे।